Hello dear friends, you are most welcome at Study IAS platform. Today we will discuss 3rd February 2020's news. तो आज के करंट अफेयर्स में कौन कौन सी न्यूज़ है जो हमारे यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू इम्पोर्टेंट है. तो आज हम फर्स्ट न्यूज़ हमारी 15th फाइनेंस कमीशन रिपोर्ट फॉर द ईयर 2020 and 2021, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे. ये टॉपिक द हिंदू के पेज नंबर 10 एंड दैनिक जागरण के पेज नंबर 10 दोनों में कवर किया गया है. सेकेंड टॉपिक हमारा रहेगा साइमन कमीशन, दैनिक जागरण के पेज नंबर 16. थर्ड टॉपिक क्रिस्पर केस 9, दैनिक जागरण के पेज नंबर 16 से टॉपिक लिया है. फोर्थ टॉपिक है MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस एंड कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइजेस CACP. फिफ्थ नंबर का टॉपिक फिस्कल डेफिसिट एंड करंट अकाउंट डेफिसिट, दोनों टॉपिक्स के बारे में हम डिस्कशन करेंगे. सिक्स नंबर का टॉपिक है TREDS प्लेटफॉर्म, ये क्या है, इकोनॉमी का एक टॉपिक है. सेवन नंबर का टॉपिक नेशनल सीड फंड, जो हाल ही के बजट में इसका अनाउंसमेंट किया गया है. एट नंबर का टॉपिक हमारा वेट लैंड्स. तो इनके साथ इसे संबंधित फिर दो क्वेश्चन यूपीएससी में, जो एक वेट लैंड्स है 2019 में, जो दो क्वेश्चन पूछे गए यूपीएससी में प्रीलिम्स में, उन दोनों का भी हम डिस्कशन करेंगे. तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम टॉपिक नंबर फर्स्ट, 15th फाइनेंस कमीशन. ये क्या है, इसको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने कॉन्स्टिट्यूट किया था, मीन्स बनाया था अंडर आर्टिकल 280 के तहत, 280 के तहत. इसने कहा है कि मैं इसमें पॉपुलेशन जो डाटा है उसका इस्तेमाल किया गया है 2011 का, और इसने डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस को यूज किया है जो फिफ्थ फाइनेंस कमीशन था उसमें, जबकि 14th फाइनेंस कमीशन में इस डाटा का उपयोग नहीं किया गया था. एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज दोनों ने यूज किया है. जो टैक्स एफर्ट्स हैं जिन राज्यों ने अच्छा इसका इस्तेमाल किया है उनको प्रोत्साहन दिया जाएगा, ऐसा इस वाले जो टर्म ऑफ रेफरेंस है इसका यूटिलाइजेशन 15th फाइनेंस कमीशन किया है, जबकि 14th फाइनेंस कमीशन ने इसका उपयोग नहीं किया था. अब ये समझ में आ जाएगा कि क्या कहना चाह रहा है. अब हॉरिजेंटल शेयरिंग ऑफ टैक्सेस, जितना भी टैक्स कलेक्शन करता है सेंट्रल गवर्नमेंट उसको राज्यों में बांटना रहता है, और राज्यों में कैसे बटेगा उन आधारों को क्या बोलते हैं, राज्यों के बीच में किस आधार पर वो टैक्स का बंटवारा होगा उसी को बोलते हैं टर्म ऑफ रेफरेंस. तो उनका आधार क्या है, जो 14th फाइनेंस कमीशन था उसमें पॉपुलेशन, एरिया, फॉरेस्ट कवर, इनकम डिस्टेंस, डेमोग्राफिक चेंज, मीन्स 1971 से 2011 तक कितना चेंज हुआ है किसी राज्य की जनसंख्या में, उन्हीं को क्या बनाया गया था. यहाँ बेस बॉक्स नंबर फर्स्ट और बॉक्स नंबर जो इधर राइट साइड में दिख रहा है वहाँ पर ऊपर से 17.5%, 15%, 7.5%, 50% एंड 10%, मीन्स 5 क्राइटेरिया थे राज्यों में बंटवारा करने का. जो 15th फाइनेंस कमीशन है इसमें 6 आधार बनाए गए हैं, पॉपुलेशन 2011 की, एरिया, फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी किसी देश किसी राज्य की, इनकम डिस्टेंस, डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस यहां पर एक नया जोड़ा गया है, एंड टैक्स एफर्ट्स ये भी नया जोड़ा गया है. पिछले वाले में जो 14th फाइनेंस कमीशन था वहां डेमोग्राफिक चेंज था, यहां पर अब की बार डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस जोड़ा गया है. पिछली बार टैक्स एफर्ट्स के आधार पर राज्यों को ट्रांसफर नहीं था, लेकिन यहाँ पर इस बार टैक्स एफर्ट्स भी जोड़ा गया, और वेट जो है किस राज्य को कितना मिलेगा वो किस आधार पर मिलेगा, तो 15% पॉपुलेशन के आधार पर, जिस राज्य की पॉपुलेशन जितनी ज़्यादा होगी 2011 के अनुसार उसको 15% वेट मिलेगा, एरिया 15%, फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी 10%, इनकम डिस्टेंस 45%, डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस 12.5% एंड टैक्स एफर्ट्स 2.5. जो इनकम डिस्टेंस है इसमें हम हरियाणा की इनकम को लेंगे, किसी राज्य की हरियाणा की इनकम से कितनी कम है उसको आधार बनाया जाएगा 45%. तो इन्हीं आधार को क्या बोलते हैं, टर्म ऑफ रेफरेंस. और इस बार का जो 15th फाइनेंस कमीशन, इसने कहा है कि जितना पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास इकट्ठा होता है टैक्स, अगर टैक्स 100 रुपये है मानो, तो उसमें से 41% राज्य को दिया जाएगा. अब ये जो 41% राज्य को दिया जाएगा, तो ये 41% का बंटवारा कैसे होगा राज्यों के बीच में, ये सभी आधार हैं 6, इनके आधार पर उनके बीच में बंटवारा होगा, इन्हीं को बोलते हैं टैक्स ऑफ टर्म ऑफ रेफरेंस. सेकंड टॉपिक है साइमन कमीशन, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 था उसके तहत ये कहा गया था
कि एक प्रोविजन था कि 10 ईयर्स के बाद जो 1990 मीन्स 1929 में साइमन कमीशन बनता, कोई भी एक कमीशन बनता जो ये देखता कि जो डाईआरके लाया गया है जिसके द्वारा गवर्नेंस की जा रही है ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, इससे क्या लाभ हुआ है और इसमें कितना और आगे रिफॉर्म्स लाने हैं। लेकिन 2029 की जगह 1929 की जगह 1927 में इसका अनाउंसमेंट कर दिया गया था, मीन्स पहले ही इसको ला दिया गया। ये एक 7 मेंबर वाला कमीशन था, 7 मेंबर्स जो सभी मेंबर ब्रिटिश पार्लियामेंट के थे, इसीलिए इसका घोर विरोध किया गया कि आप शासन की और गवर्नेंस की बात कर रहे हो इंडिया में, बट सारे ही कौन है ब्रिटिश, ये कैसे समझ पाएंगे इंडिया की कंडीशंस को। ये पहली बार इंडिया में आया था 3 फरवरी 1928 को मुंबई में, इसीलिए आज क्या है 3 फरवरी, इसलिए इसको न्यूज़पेपर में कवर किया गया था। थर्ड टॉपिक है क्रिस्पर केस 9। इसकी फुल फॉर्म है क्लस्टर्ड रेगुलरी इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स। एक डीएनए सीक्वेंस होती है जो जनरली प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में पाई जाती है, बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया में। ये जनरली क्या करता है कि बैक्टीरिया के ऊपर, बैक्टीरिया को भी कौन खाता है, बैक्टीरियोफेज मीन्स वायरस उस पर अटैक करते हैं उन, तो वो बैक्टीरिया की रक्षा करते हैं वायरस से। तो ये क्या है, एक एंटीवायरल डिफेंस सिस्टम है बैक्टीरिया के अंदर। जो क्रिस्पर कैस है, इसमें कैस 9 क्या है, एक क्रिस्पर एसोसिएट प्रोटीन 9, ये एक एंजाइम है। एक क्रिस्पर के द्वारा एक पर्टिकुलर सीक्वेंस को पहचाना जाता है और उस सीक्वेंस को पहचानने के बाद कैस 9 जो है एंजाइम, वो उसको वहां से कट कर देता है। तो किसी भी जीन को कट करने के लिए कौन काम आता है, कैस 9। जबकि जो क्रिस्पर है वो पर्टिकुलर सीक्वेंस की पहचान करता है जहां पर डी ये जाकर जुड़ सके। तो कैस 9 क्या है, एंजाइम, और क्रिस्पर क्या है, एक सीक्वेंस। इन दोनों से मिलकर बनता है क्रिस्पर कैस 9, और इनका उपयोग कर सकते हैं किसमें, जीन एडिटिंग में। अगर किसी भी जीव में कोई जीन, पर्टिकुलर जीन डिजीज वाली है और खराब है, तो उसको इसके द्वारा काट कर निकाला जा सकता है। अब क्रिस्पर कैस 9 का उपयोग कहाँ हो सकता है, इल्ड बढ़ाने के लिए, क्रॉप्स में क्या है, जीएम क्रॉप्स बनाने के लिए, इल्ड बढ़ाने के लिए कोई अच्छी वाली जीन डाल दें, ड्राउट टॉलरेंट या न्यूट्रिशन वैल्यू वाली कोई नई जीन डालकर, मॉस्किटो में जो जीन उनके रिप्रोडक्शन के लिए काम करती है उसको वहाँ से एडिट कर सकते हैं ताकि वो मॉस्किटो मलेरिया ना फैलाए, जेनेटिक डिसऑर्डर को इससे समाप्त कर सकते हैं। साथ ही में जो स्पीसीज अभी एक्सटिंक्ट हो सकती है, विलुप्त हो चुकी है, लेकिन हमारे पास उनकी पुरानी वाली जीन है किसी भी जगह, तो उस जीन के करेक्टर्स को ट्रांसफर करके उस स्पीसीज को वापस हम जिंदा कर सकते हैं। क्रिस्पर जो चिप है उसके द्वारा हम जीन म्यूटेशंस का पता कर सकते हैं। म्यूटेशन क्या होता है, हमारी जो जीन है जो नॉर्मल काम करती है उनमें अगर कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती है तो उसके कारण वो गलत काम करने लगती है, इसी को क्या बोलते हैं, म्यूटेशन, उत्परिवर्तन। फोर्थ नंबर का टॉपिक हमारा एमएसपी एंड सीएसीपी। सीएसीपी कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइजेस, ये 1955 में इसकी स्थापना की गई थी। ये एक अटैच्ड ऑफिस है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के तहत। ये एक स्टेटरी बॉडी है, मीन सांविधिक संस्था नहीं है, सॉरी। इसका फंक्शन क्या है, ये सीरियल्स, 5 पल्सेज, 7 ऑयल सीड्स एंड 4 कॉमर्शियल क्रॉप्स। तो यहाँ सभी के नाम लिखे हुए हैं। एमएसपी के ऊपर फाइनल डिसीजन कौन लेता है, कैबिनेट कमिटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। फिफ्थ नंबर का टॉपिक हमारा फिस्कल डेफिसिट एंड करंट अकाउंट डेफिसिट। अब फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, जब गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट के प्राप्तियां जो रहती है उससे ज्यादा हो जाता है। गवर्नमेंट की प्राप्तियां 2 प्रकार की होती है, कैपिटल एंड रेवेन्यू। कैपिटल में डेप्थ एंड नॉन डेप्थ। डेप्थ में भी अगर मार्केट से उधार ले रही है या फिर अपनी अदर लाइबिलिटीज में गवर्नमेंट जो सेविंग स्कीम से भी इकट्ठा करती है पैसा, उसको बाद में लोगों को वापस देना पड़ता है। इन दोनों को शामिल नहीं करेंगे हम गवर्नमेंट का जब फिजिकल डेफिसिट निकालेंगे तब। नॉन डेप्थ जो है डिस इन्वेस्टमेंट और रिकवरी ऑफ लोन्स और एडवांसेज, उनकी जब रिकवरी करती है गवर्नमेंट, तो इन दोनों से जो पैसा आ रहा है उसके पास उनको हम कहाँ कैपिटल में जोड़ेंगे, जब रिसीट्स निकालेंगे तब। रेवेन्यू में टैक्स एंड नेटोवी टैक्स, इन दोनों को शामिल करके हम फिजिकल डेफिसिट निकालेंगे। मीन्स जब भी फिजिकल डेफिसिट निकालेंगे तो फिजिकल डेफिसिट निकालते समय गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में तो हमको पता ही है, बट गवर्नमेंट की प्राप्तियों में हम नॉन डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट को ही जोड़ेंगे, बाकी बाकी रिसिप्ट जो है उनको
नहीं जोड़ेंगे। करंट अकाउंट डेफिसिट क्या है? बैलेंस ऑफ पेमेंट का भाग है। करंट अकाउंट में दो अकाउंट रहते हैं, विजिबल अकाउंट या ट्रेड अकाउंट एंड इनविजिबल अकाउंट। विजिबल अकाउंट जो रहता है उसमें इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स को देखते हैं, जबकि इनविजिबल अकाउंट में सर्विस या यूनिलेटरल ट्रांसफर, जैसे ग्रांट हम दे रहे हैं किसी देश को, या प्राइवेट रेमिटेंस, विदेशियों में जो भारतीय रह रहे हैं वो है यहाँ धन भेजते हैं, जो उसको बोलते हैं प्राइवेट रेमिटेंस। ये सभी किस में आते हैं? इनविजिबल अकाउंट में। कैपिटल अकाउंट में FDI, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, अगर हमारी यहाँ की कंपनियाँ बाहर से उधारी ले रही है तो एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग, NRI डिपॉजिट, एक्सटर्नल असिस्टेंस मतलब सरकार द्वारा बाहर से उधार ली जा रही, ये सभी कैपिटल अकाउंट का भाग है। तो करंट अकाउंट डेफिसिट क्या हो जाएगा? अगर करंट अकाउंट में हमारे यहाँ करंट अकाउंट मीन्स हम एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं सर्विस एंड गुड्स का, तो वो करंट अकाउंट सरप्लस होगा। यदि हमारे इंपोर्ट ज़्यादा हो रहा है गुड्स और सर्विसेज का, तो करंट अकाउंट डेफिसिट, और इंडिया में करंट अकाउंट डेफिसिट की प्रॉब्लम चल रही है। 6 नंबर का टॉपिक है TREDS। ये एक इलेक्ट्रॉनिक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म है जो क्या करता है, फैसिलिटेटिंग द फाइनेंसिंग ऑफ ट्रेड रिसीवल्स ऑफ MSME थ्रू मल्टीपल फाइनेंसर। जनरली क्या होता है कि जो MSME है उनको इसके द्वारा क्या किया जाता है, जितना भी उनका पेमेंट है वो किया जाता है। ये किसके द्वारा प्रमोट की जा रही है? NSE, SIDBI, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, SBI और ICICI बैंक, इन सभी के द्वारा लाई गई थी। यूनियन गवर्नमेंट ने मैंडेट किया है, सभी को फिक्स किया है कि जितने भी हमारी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां हैं वो सभी इसको जुड़ेगी, और उनके द्वारा जितना भी MSME को जो पैसा देना रहता है पेमेंट, वो इसके द्वारा दिया जाएगा। 7th नंबर का टॉपिक हमारा नेशनल सीड फंड। जनरली ये किस लिए लाया गया कि जो नए नए इंडिया में स्टार्टअप्स रहते हैं वो फंड की प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं शुरू में, इसीलिए ये बजट 2020 एंड 21 में इसका अनाउंसमेंट किया गया है कि जो डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन एंड इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड है DPIIT, उसके द्वारा गाइडलाइंस बनाई जाएगी, और इस फंड से जो भी हमारे देश में नए स्टार्टअप्स रहेंगे उनको फंडिंग की जाएगी। 8th नंबर का टॉपिक हमारा वेटलैंड्स। वेटलैंड्स क्यों अभी न्यूज में आया? क्योंकि हाल ही में जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है, इसने 10 हमारी यहाँ रामसर साइट्स में नोटिफाइड किया है इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस वाली। अब हमारे यहाँ रामसर साइट्स कितनी हो गई है? 37। रामसर क्या है? रामसर कन्वेंशंस के तहत जो एक ईरान की सिटी है वहाँ जितने भी हमारे वेटलैंड है, वेटलैंड में क्या आते हैं जैसे दलदल भूमि, मैंग्रोव, कोरल रीफ, फ्लड प्लेन्स, रिवर्स, ह्यूमन मेड वेटलैंड्स, लेक, मैराइन एरिया मीन समुद्री जो एरिया है जो 6 मीटर से डीप नहीं हो वो वाला एरिया, वाटर वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट्स एंड रिजर्वायर, ये सभी वेटलैंड में आते हैं। इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस का क्यों बोलते हैं कि ऐसे वेटलैंड क्या होते हैं, आर्द्र भूमियाँ, न केवल देश के लिए इंपॉर्टेंस रखती हैं बल्कि ये इंटरनेशनल लेवल पर भी इंपॉर्टेंस रखती है। तो ये इसीलिए न्यूज़ में था। अब इंडिया में वेटलैंड्स की क्या स्थिति? हमारे यहाँ लगभग 7 लाख वेटलैंड है, और इनको रेगुलेशन कैसे किया जाता है? वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल 2017 में गवर्नमेंट लेके आई थी, साथ ही में वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट अगेन लेके आई। जो नई रामसर साइट है इंडिया में जो लाई गई अभी, महाराष्ट्र का नंदूर, महादेश्वर, पंजाब में केशवपुर, मियानी, नांगल एंड ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व, यूपी में नवाबगंज, पार्वती, आगरा, सामन, समसपुर, संधी एंड सारसी, तो ये क्या है, यूपी की नई रामसर साइट्स है। तो ये टोटल महाराष्ट्र, पंजाब और यूपी में नई रामसर साइट्स को जोड़ा गया है। अब हमने जितने भी टॉपिक डिस्कशन किए हैं इससे संबंधित यूपीएससी 2019 में 2 क्वेश्चन पूछे गए थे कि प्राय समाचारों में रहने वाला या आने वाला Cas9 प्रोटीन क्या है। तो हमें अभी जस्ट हमने देखा था कि ये क्या होता है, जीन एडिटिंग के लिए उपयुक्त किया जाता है। तो ये क्या है, ए इसमें सीधा सा आंसर हो जाएगा, यहाँ पर हम इंग्लिश में दे सकते हैं कि ए मोलिकुलर सीजर यूज इन टारगेटेड जीन एडिटिंग, तो जीन एडिटिंग के लिए। ए बायोसेंसर यूज इन द एक्यूरेट डिटेक्शन ऑफ पैथोजेंस इन पेशेंट, तो बायोसेंसर के रूप में इसका उपयोग कर सकते हैं,
बट सबसे बेस्ट आंसर अगर हमको कैस नाइन देखना रहे तो कौन है, मोलिकुलर सीजर, जो जीन एडिटिंग के लिए काम आता है। ए जीन दैट मैक्स, जो बी सी एंड डी है वो सभी इसके क्या है, उपयोग हैं, इसके एप्लीकेशंस। बट जो कैस नाइन प्रोटीन है उसका खुद का फंक्शन क्या है वो इस आंसर में, क्वेश्चन में पूछ रहा है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। बी सी एंड डी हमेशा क्या है, उसके एप्लीकेशन कैस नाइन प्रोटीन के, जबकि ए में उसका फंक्शन पूछा गया है, तो वो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। सेकेंड आंसर था रामसर सम्मेलन से संबंधित, कि रामसर के अनुसार भारत के राज्य क्षेत्र में सभी आर्द्र भूमियों को बचाना और संरक्षित करना भारत सरकार के लिए अधिदेशात्मक मीन्स मैंडेटरी है, तो ऐसा नहीं है। रामसर जो सम्मेलन है वो केवल गाइडलाइंस प्रस्तुत करता है और कुछ सुझाव देता है, रिकमेंडेशन देता है, ये डिपेंड करता है उस देश के ऊपर कि वो उसको मानता है या नहीं, तो ये गलत स्टेटमेंट हो जाएगा। आर्द्र भूमि संरक्षण और प्रबंधन नियम 2010 भारत सरकार ने रामसर सम्मेलन की संस्तुतियों के आधार पर बनाई थी, तो ये राइट आंसर है, मीन्स राइट स्टेटमेंट है। आर्द्र भूमि संरक्षण और प्रबंधन नियम 2010 आर्द्र भूमियों के अपवाह क्षेत्र या जलग्रहण क्षेत्र को भी सम्मिलित करता है, जैसा कि प्राधिकार द्वारा निर्धारित किया गया, तो दोनों इसमें करेक्ट स्टेटमेंट है, टू एंड थ्री, तो आंसर क्या हो जाएगा, ओनली बी। यहां पर भी देख सकते हैं, वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल 2010 वर फ्रेम्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ रामसर कन्वेंशन, तो ये सही है। द वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल्स 2010 आल्सो एनकम्पास द ड्रेनेज एरिया और कैचमेंट रीजन ऑफ द वेटलैंड एज डिटरमाइंड बाय द अथॉरिटी, तो ये दोनों क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में जो मैंडेटरी किया है वो गलत है, वो देश के ऊपर डिपेंड करता है, तो सेकेंड एंड थर्ड स्टेटमेंट इसमें क्या हो जाएंगे, करेक्ट। तो ये हमारा आज का क्या था, लेक्चर 3 फरवरी 2020 की न्यूज़ का। तो माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज न्यूज़ डिस्कशन, थैंक यू।